बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ क्रीमी चिकन रेड सॉस पास्ता, जो बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी तैयार होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि चिकन रेड पास्ता सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पैकेट मैंने पास्ता का लिया, आप किसी भी साइज में और किसी भी शेप में ले सकते हैं। एक प्याली मैंने टमाटर प्यूरी की ली है। मैंने चार तीन अदर टमाटर लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया। टू टीस्पून मैंने चीज़ क्रीम के लिए हैं। अगर आपके पास चीज़ क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकती हैं। 250 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है बारीक। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक सॉस लिया है। 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है। 2 टीस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। 1 टीस्पून मैंने वाइट सिरका लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। और लीव्स मैंने हसबे ज़रूरत लिए हैं। 3 से 4 जवे लेके मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया लहसुन के। चलिए मैं आपको बताऊँगी कि मैं रेड पास्ता सॉस किस तरह तैयार करूँगी। को बॉयल कर लेंगे। मैंने इसमें 1/2 लीटर पानी शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। पानी बॉयल हो गया, इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करेंगे। सभी को पसंद होता है, सभी के मनपसंद रेसिपी है पास्ते की। बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको हमारी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पास्ता। 5 मिनट में बॉयल हो गया पास्ता। अब मैंने इसे 80% बॉयल किया है, 20% नहीं किया। अब मैं इसका रिमूव कर दूंगी गर्म पानी और इसे ठंडे पानी से वॉश करूंगी। मैंने इसका गर्म पानी रिमूव करके इसे ठंडे पानी से वॉश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल डालूंगी, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसका रेड सॉस पास्ता तैयार करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल किया, मैंने इसके अंदर 1 प्याली ऑयल शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकती हैं। बस तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसके अंदर लहसुन शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धक्का धक्का कर आएंगे, फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे साथ इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने बारीक कीमा लेना है चिकन का। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसके अंदर मसाला ज़्यादा शामिल करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं स्पाइसी।
कीमा फ्राई हो गया इसके, इसका कलर चेंज हो गया, इसमें मसाला ज़्यादा शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नमक शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिकन पाउडर शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाल कोटी मिर्च शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिर्च शामिल करूँगी लाल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पेपरिका पाउडर शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाइट सिरका शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सोया सॉस शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिली सॉस शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिली गार्लिक सॉस शामिल, ज़रा मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चीज़ करीम शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से कुक हो गया है, 5 मिनट लगे इसे कुक करने, अब मैं टमाटर प्यूरी शामिल करूंगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पास्ता शामिल करेंगे इसमें, इसे मिक्स करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे, मेरा रेड सॉस पास्ता तैयार है, मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी, मेरी चिकन रेड सॉस पास्ता तैयार है, अगर आपको ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा, अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।